नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जिसका नाम है झकास फूड में। तो एज़ यू ऑल ऑफ़ यू नो कि जयपुर में लॉकडाउन को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है, तो वी हैव सम टाइम टू एंटरटेन यू कि हम लोग नई नई जगह पे जाके और आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए कुछ यूनिक वीडियो बनाने लग जाए। तो आज इस यूनिक वीडियो बनाने के आइडिया के साथ में आज हमें जो एक कॉल आया, जो मैसेज आया, वो बहुत ही मतलब एक अच्छे कुक का हम बोल सकते हैं, एक अच्छे शेफ का बोल सकते हैं, बहुत अच्छे जो टेस्ट जो हमें खिला सकते हैं जैसा हम लोग ढूंढते हैं, लाइक टोटली झकास एक्चुअली, लाइक टोटली कूल फूड एक्चुअली। तो आज हम लोग एक ऐसे वेंडर के पास में आए हुए, तो इनका जो नाम है, इनका नाम है, देखो मैं आपको बताऊं, माँ बेकर्स मिनी रेस्टोरेंट। सो ये जो है बेसिकली जो अभी ये लोग जो डील करते हैं, अभी ये लोग सिर्फ फास्ट फूड में डील कर रहे हैं, बट वेरी सून ये लोग जो है अब बेकरी के आइटम्स में और छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट्स के आइटम्स होते हैं इन सारी चीज़ों में आने वाले हैं। अब सबसे अच्छी मैं बात बता रहा हूँ, देखो एक साइड में इनकी बड़ी सी दुकान चल रही है बेकरी की, और इसी के साथ में ये अपना जो स्ट्रीट का जो काम है उसको भी नहीं भूलना चाहते क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो दोस्तों चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ के ऑनर के बेटे से मिलवाने जा रहा हूँ। तो सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम फहद। फहद भाई आप अपनी दुकान के बारे में बताएं कि इस दुकान को यहाँ पे कितने दिन हो गए, कैसे आप लोगों ने इसकी शुरुआत की, क्या इसकी आप लोगों की स्पेशलिटी है, आप अपने मुंह से कुछ बताएं। हम लोगों ने रियली बता रहा हूँ पब्लिक से आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुन रखा है, अब आप बताएं अपने बारे में कुछ हमें। हम लोगों को यहाँ पे 2 साल हो गए। ओके। पहले हमारी स्टॉल थी, उसके बाद 1 साल बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये शॉप ले ली। ओके। समाज के नीचे है। ओके। के पास। ओके। यहाँ पे फास्ट फूड का काम चलता है मोस्टली, कॉम्पिटिशन तो बहुत है, बट यहाँ पे शॉप लेना सिर्फ हमने फर्स्ट हमने ली। अच्छा। हम लोगों को इतने साल हुआ, यहाँ पे पहले भी लगाते थे बहुत सारे लोग, करीब 15 साल हो गए, बट हमारा रिस्पॉन्स अच्छा मिला हमें। अच्छा जी। तो हम लोगों ने पहले स्टॉल लगाई, स्टॉल का साल भर हुआ, हमारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा हुआ तो हम लोगों ने एक शॉप भी ली। डेफिनेटली अगर आप लोगों का टेस्ट अच्छा है, अगर आप लोगों का टेस्ट जो है वो यूनिक है, तो डेफिनेटली आपको पब्लिक रिएक्ट करेगी, आपको अच्छा व्यूज आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इनके फादर ने एक छोटी सी स्टॉल से इस शॉप तक का रास्ता तय किया है, तो डेफिनेटली इसके पीछे काफ़ी सारा हार्डवर्क होगा, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। बट अभी जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रखी है, एज़ एवरीवन नो कि कोविड के चक्कर में जो छोटे छोटे जो वेंडर्स थे, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो जिन्होंने बिजनेस को बस अभी नया बूस्टर मारा था, लाइक दिस शॉप, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू नथिंग, वी हैव टू डू जस्ट सपोर्ट टू दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि हमारे लिए हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आके हमें खिलाते हैं, हमें सर्व करते हैं। तो छोटी सी बात है यार, समझ जाओ। और चलो अब मैं आपको इनके फादर से मिलवाता हूँ, इस पूरी दुकान के बारे में बताता हूँ, दिखाता हूँ अच्छे से दुकान पे क्या क्या मिलता है। और मैं यहाँ के आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है नूडल्स बहुत प्यारे मिलते हैं, तो हम लोग आपको नूडल टेस्ट करके भी बताने वाले कि यहाँ पे नूडल्स कितने प्यारे हैं। जो चलो मैं अब आपको इनके फादर से मिलवाता हूँ। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ यहाँ के ऑनर से, और इन सर को मेरा दिल से सच में सलूट है, इनकी मेहनत को मेरा सलूट है। तो सर है हमारे, सर आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम अदनान। तो अदनान सर आप बताएं कि आप इस बिज़नेस में कब से, फूड इंडस्ट्री में आप कब से? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इस काम। ओके। इस लाइन में। ओके। तो अभी ये जो अपन जिस जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे आपका स्टॉल है, तो इसका एड्रेस बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो आप तक पहुँचना चाहते हैं तो वो कैसे आपके पास में आ पाएंगे वो बताएं आप। सर अगर आप हमारे राइट साइड पे देखेंगे तो ये जो रास्ता जा रहा है जी, ये जी सीधे आमेर रोड पे जा रहा है। ठीक है। मेन आमेर रोड, और ये है रामगढ़ मोड़ बस स्टैंड। ओके। और अगर आप सामने के साइड जाएंगे तो ये करबला चौराहा आता है। अच्छा। हाँ, सबसे यहाँ पे फेमस ये है कि ये है मंसूरी समाज बिल्डिंग। ओके। मंसूरी समाज बिल्डिंग के साथ साथ हमारे राइट साइड पे ये सुंदर लॉन मैरिज गार्डन है। ओके। आसपास अगर किसी से भी आप पूछेंगे सुंदर लॉन मैरिज गार्डन पे जाना है तो आराम से आ जाएंगे यहाँ पे आप। मंसूरी समाज ही फेमस है सुंदर। तो अभी जैसे कि अपने को अगर इस शॉप का एड्रेस आपको एक कार्ड पे लिखवाना तो आप उसको कैसे मतलब बताएंगे, उस पर क्या लिखवाएंगे अपन? हमारा ये है शॉप नंबर 1। ओके। मंसूरी समाज बिल्डिंग। ओके। नियर सुंदर लॉन। ओके। रामगढ़ मोड़ बस स्टैंड करबला रोड पे। तो एक बार सर आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दें, जो जिनको भाई लोगों को समझ में फिर भी नहीं आया, तो एक बार हो सकता है कि भाई किसी के समझ में आए किसी के नहीं आए, तो वो आपसे एक बार डायरेक्टली कॉल करके बात कर सके। आप अपने एक बार उनको नंबर बता दें। मेरा नंबर है 7976712744, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप एक बार हमें आपकी अंदर से एक बार शॉप दिखा दीजिए, सारी चीज़ें अपन
बहुत जल्दी यहाँ पे हमें मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, मगर हमारा क्या टाइमिंग अभी इस टाइम पीरियड चल रहा है। हाँ, जयपुर में थोड़ा ये लॉकडाउन का जो इफेक्ट है, लॉकडाउन का इफेक्ट, इसकी वजह से क्या मैंने माल जो भी अगर ऐसे आप बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, मार्केट यहाँ पे जो चलता है वो शाम का चलता है। सही है, सही है। और शाम को अगर कस्टमर आएगा उस टाइम बंद, 7 बजे का टाइम है बंद करने का, बिल्कुल 7 बजे के बाद खोलेंगे तो लग जाएगा इस पर। सही है, सही है, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी मैंने कुछ चीज़ों को चालू नहीं किया है। पिज़्ज़ा वगैरह मैं बना के दे रहा हूँ यहाँ से, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, केक मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा बर्गर है, मोमोज़ है, चाउमीन है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब आपको भी मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। पास्ता है, वड़ा पाव है, पाव भाजी, छोले कुलचे, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको जैसे ही हमारा 9 बजे का टाइम हो जाएगा, जैसे हमारे CM साहब टाइम बढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद से हमें यहाँ पे भी, क्योंकि ये दुकान चालू करने से 15 दिन के बाद ही लॉकडाउन लग गया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसके मुझे यहाँ पे टेबल कुर्सियाँ वगैरह सब डलवानी थी, तो उस वजह से अभी कुछ नहीं डलवा पाया। नहीं नहीं, लेकिन लॉकडाउन के पीछे एक रीज़न भी था सर, देखो अगर देश सही रहेगा तो फिर हम भी सही रहेंगे। बिल्कुल सही रहेंगे। तो चलिए ठीक है, नुकसान थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन कोशिश अपनी जारी रहेगी कि बिज़नेस आगे बढ़ता रहे। तो आज जो है मैं और आशु आपके पास में आए, तो आप आज बताएं कि आप अपनी क्या स्पेशलिटी चीज़ आज हम लोगों को आप सर्व करेंगे, जो हम लोग खा के और हम लोग इसका जायका ले सके, बताएं सर। आपको जो भी आप अच्छा बनाते हो, वैसे तो आप सभी अच्छा बनाते होंगे, डेफिनेटली है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और भी ठेले लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लगते हैं यहाँ पे सर, स्टॉल काफी सारे लगे हुए हैं, लेकिन मैंने आपका नाम बहुत अच्छे से सुना है जी, इसीलिए हम आज लोग आपके पास में आए। हमारे पास सर देखिए, जो सबसे ज्यादा बेसिकली बिकता है, एक तो हमारी चाउमीन सबसे ज्यादा सेल होती है, बिल्कुल, हमारा बर्गर सबसे ज्यादा सेल होता है, ओके, ये दो आइटम जो है हमारे सबसे ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। आज भी अगर आप ठेले पे देखोगे तो अभी भी मेरे हिसाब से 25-26 पैकेट, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, गौर करने वाली बात है बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली क्या होता है लोगों के पास मार्केट में हर ठेले पे बर्गर मिलेगा, और वो भी इस टाइम पे, इस टाइम सिर्फ टाइमिंग भी सिर्फ 7 बजे तक का हो। बिल्कुल, मोस्टली ठेले पे आपको 10-12, हर मार्केट 15 बर्गर, नहीं सर मैंने 5 के ऊपर नहीं देखे, मैंने भी 5-7 बर्गर के ऊपर के पैकेट नहीं देखे, मतलब इतना ही रहता है लोग, और बल्कि आपका तो अभी लॉकडाउन का पीरियड है तब भी आपका इतना निकल रहा है, तो एक सोचने वाली बात है कि जब आपको पूरा टाइम मिलेगा तो आप किस लेवल पे मेहनत कर सकते हैं करके। हमारे इस एरिया में पहले हर कोई भाई पनीर डालता है बर्गर में, जो नॉर्मली हर ठेलों पे मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉल पे सब तरफ यही मिलता है कि पनीर डाल देंगे, पनीर वाला बर्गर, पनीर वाला बर्गर, क्या वो पनीर होता है? कहीं नहीं होता, दिखता ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता, टोफू होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल टोफू पनीर होता है। मैंने आज तक कभी, 2-3 साल मेरे को यहाँ पे हो गए हैं, और मैंने आज तक कभी वो पनीर डाला ही नहीं है बर्गर। अच्छा, कभी नहीं डाला है। ओके ओके ओके। मैं सिर्फ मेयोनीज का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, प्योर मेयोनीज का इस्तेमाल करता हूँ। परफेक्ट। और इसी वजह से मेरे बर्गर जो है एक तो टेस्टी बहुत बनते हैं, तो टेस्ट की वजह से क्या पॉपुलर हैं अच्छे खासे, और इतना बर्गर हमारा यहाँ से निकल जाता है, और चाउमीन वगैरह भी हमारा अच्छी ही निकलती है यहाँ से, अगर देखा जाए तो करीब करीब 6-7 पैकेट चाउमीन में इस टाइम निकल बेच लेता हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है। सिर्फ 7 बजे का टाइम है और सर इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर, जैसे ही जो है जयपुर के अंदर में टाइमिंग इंक्रीज होगा, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू वर्क मोर हार्डर, और बिजनेस भी बढ़ेगा, और आप लोगों का प्यार चाहिए, हम सब लोगों को सपोर्ट चाहिए सर को आपका, टू रन दिस बेकरी एक्चुअली। अब आप जिस जिस का भाई लोगों का बर्थडे आ रहा है, बस सर को फ़ोन लगाओ और अपना केक बुक कर डालो, घर तक होम डिलीवरी आ जाएगी, होम डिलीवरी, और जो भी ये बेस्ट डिस्काउंट आपको केक की तरफ से हमारी तरफ से कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेस्ट आपको एक नंबर का मिलेगा, बिल्कुल झकास फूड के माफिक मिलेगा। तो चले अब आप लोग हमें सर्व करें, फिर हम लोग आपका बताते हैं कि जायका कैसा है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। तो सर आप, मैंने भैया ने बताया कि आप यहाँ के बहुत पुराने और रेगुलर कस्टमर है, तो आप बताएं इनके बारे में क्या विशेषता है इनकी, कैसा ये लोग खिलाते हैं आपको? अच्छा खिलाते हैं, जब भी आते हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, कंटिन्यू बहुत अच्छा खिला रहे हैं, नो डाउट, और सफाई के साथ भी खिला रहे हैं, मतलब आप 2 महीने से आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिलायबल कर सकते हैं कि भाई बहुत अच्छे अपने को मतलब सर्व करते हैं ये लोग, जो भी खिलाते हैं। तो सर शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू, आपने हमें अपना जो टाइम दिया उसके लिए।
गाइस हम अब चालू करने वाले खाने का। देख लो आशु कितनी देर से कैमरे के पीछे था, तो आशु को जो जो मिस कर रहा था तो देख लो आशु यहीं पे हूँ। और मेरे हाथ में ये पंजाबी बर्गर, मेरे हाथ में ये मायो बर्गर फुलफिल, अगर आप इसमें देखेंगे बहुत आगे ले आना है ना, मेरे वाले में भी गजब है फुलफिल, देखेंगे तो पूरा फुलफिल हो रखा है। और अभी खाने का मज़ा भी अलग आने गया। मैं इसका बाइट लेता हूँ। पंजाब जैसा ही है, पंजाब जैसा अपनी मुझे पंजाबी बर्गर इतना मोटा है कि आप एक बार में एक बाइट नहीं खा सकते, देख रहे होंगे फेस पे लग भी गया होगा। अब लिए मैंने नूडल, और नूडल के साथ में है ये मोमोज के पीसेस, दोनों इसमें हैं। मेरे पास है ग्रेवी वाले मोमोज जो देखने में बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और ये भी गया। तो हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ अच्छी अच्छी बन रखी है, सारे मसाले फुलफिल है, शानदार शानदार मसाले हैं। देख तू एक बार ये खा के देख, मैं ये भी खाता हूँ। ये गया आशु के मुंह में ग्रेवी मोमो, अल्टीमेट है, सबसे बेस्ट है, शानदार। और बेस्ट जो चीज़ होती है स्ट्रीट वेंडर की, सबसे सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है गर्म, सब गर्म आओगे सब कुछ गर्म मिलेगा आपको। इतना सारा आइटम हमारे पास अभी रखा हुआ है, सब कुछ गर्म मिलेगा। पूरा खाऊंगा फिर जाऊंगा, और जब अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विच इज झकास फूड, और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कम हियर इफ यू कैन। यस, और यहाँ पे आके विजिट जरूर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत करते हैं भाई स्ट्रीट वेंडर, बहुत मेहनत करते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा मैं आपको बहुत जल्दी, बिल्कुल ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।